जय श्री राम मित्रों, दिव्य ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम शरद पूर्णिमा के विषय में जानकारी देंगे, उसके रहस्य के बारे में बताएंगे। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास के पूर्णिमा को कहते हैं। इसे कोजागर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है और रात में अमृत वर्षा होता है। इस दिन रात में खीर बनाकर खुले आसमान में रख दें और प्रातःकाल उसे ग्रहण करें तो उसमें अमृत का प्रभाव आ जाता है और उसे खाने से कई रोगों का नाश होता है, कई रोगों का शमन होता है। एक ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ महारास रचाया था। और एक मान्यता और भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात में भ्रमण पर निकलती हैं और उस दिन जो भी व्यक्ति जागता हुआ मिलता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वर्ष का ऐसा ही एक दिन आता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करती है। इस दिन खुले आसमान में खीर बनाकर रख देने से अमृत की वर्षा का प्रभाव उसमें आ जाता है। जो भी रोगी होता है या वैसे भी जो व्यक्ति इस खीर को अगले दिन खाता है उसके रोग खत्म होते हैं, उसके रोग का नाश होता है। ऐसी भी मानता है कि इस दिन खुले आसमान में रात में व्यक्ति अगर 15-20 मिनट चांदनी यानी चंद्रमा के किरणों को शरीर पर लेता है तो भी उसके रोग नाश होते हैं। इस वीडियो में बस इतना है। चलते चलते एक बार आपसे और अनुरोध करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।